Hello everyone, I'm Indu Kaushal. Welcome you all in my channel Let's Study From Home. Today we will start our new topic, which is the coastal plains and the island group. So students, before starting this chapter, we have to understand the meaning of coastal and island. Plains groups तो सबको पता है, plains मैदान होता है, groups समूह को बोलते हैं, ठीक है. आइलैंड भी आपको शायद पता होगा कि जब समुद्र के बीच में जो एक छोटा सा लैंड होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं. उसके चारों तरफ, मतलब जो आइलैंड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, वो सराउंडेड बाय वाटर, एक पीस ऑफ लैंड एंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड, ठीक है. और जो हमारा कोस्टल होता है उसको सबसे पहले ये समझिए कि कोस्ट क्या होता है, ठीक है. अब कोस्ट जो होता है एक किनारा समझ लीजिए आप, जैसे हम कहते हैं ना बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा, उससे जैसे बैंक ऑफ ओशन या सी का जो साइड होता है, किनारे होते हैं, उसको कोस्ट कहते हैं. और जो कोस्ट लाइन होता है वो एक तरह से एक लैंड होता है जो कोस्ट के साथ में होता है, ठीक है. और कोस्टल आप समझ गए ना, कोस्टल को हम हिंदी में तटीय कहेंगे. और अगर कोस्ट की बात करें तो इसको हम सिर्फ तट कहेंगे. और जो कोस्ट लाइन होती है वो किनारे से जो पूरी उसकी है रेखा होती है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, किनारे की जो रेखा मानी जाएगी समुद्र तट की उसको. ओके, तो ये आपको पहले समझ आना जरूरी है, तभी आपको इस चैप्टर समझ आएगा. थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा, बट आप आराम से ये हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, वी विल नाउ रीड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स. ओके, अ कोस्ट इज द लैंड बिसाइड अ सी और ओशन. कोस्ट जो है वो क्या है, सी और ओशन के जो साइड के किनारे की जो लैंड है उसको कहा जाता है. एंड कोस्ट लैंड इज द लैंड अलोंग अ कोस्ट एस्पेशली विच गिव इट अ शेप और अपीयरेंस. और जो कोस्ट को लैंड जो साइड में इसकी जो जगह होती है लैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लैंड करता है. स्पेशली वो जो उसको शेप देती है, एक अपीयरेंस देती है कि हाँ उसको एक शेप मिल जाती है कि हाँ ये कोस्ट है, ठीक है. अ कोस्टल प्लेन इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड बिसाइड अ सी कोस्ट. और जो कोस्टल प्लेन्स है वो क्या है, एरिया है फ्लैट लैंड का बिसाइड सी कोस्ट. सी का जो कोस्ट है, कोस्ट तो समझ गए ना, सी के साइड में जो किनारा है, बैंक ऑफ सी है, उसके साइड में जो लैंड आता है उसको हम क्या कहते हैं, अ कोस्टल प्लेन. ओके, तो आपको ये समझ आया. अब आगे है एन आइलैंड. एन आइलैंड इज एन पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. जो एक लैंड होता है उसके चारों तरफ समुद्र होता है, मतलब समुद्र के बीच में जो लैंड हमें मिलता है उसको हम आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है. आई होप आपको इतना क्लियर होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर अंडरस्टैंड होगा. जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आपको चैप्टर को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको जानना. तो ये कोस्टल क्या है, कोस्ट क्या है, कोस्ट लाइन क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी. आइलैंड तो आई होप सबको ही पता होता है, ठीक है. तो एक बार फिर देख लीजिए, कोस्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तट कहते हैं, किनारा कहते हैं, ठीक है. और कोस्ट लाइन को हम समुद्र तट कह देंगे. और अगर सिर्फ कोस्टल के लिए तो इसको हम सिर्फ एक तटीय मैदान के रूप में कहेंगे इसको, कोस्ट प्लेन को, ठीक है. कोस्ट इज द लैंड बिसाइड द सी और ओशन. सी और ओशन के साइड में जो जगह होती है उसको हम कोस्ट कहते हैं. और कोस्ट लाइन क्या होता है, इज द लैंड अलोंग अ कोस्ट. और उसी कोस्ट के साइड में जो लैंड आ जाता है उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है. और स्पेशली उसको जो उसको शेप देती है कि ये आपको एक शेप मिल गई कि ये कोस्ट है, ठीक है. और अ कोस्टल प्लेन समुद्र तट, ठीक है. इसको क्या कहेंगे, अ कोस्टल प्लेन को हम कहेंगे तटीय मैदान. तटीय मैदान क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जो इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड बिसाइड अ सी कोस्ट, जो पूरी जगह हो जाएगी उसके साइड की उसको हम कोस्टल लैंड कोस्टल प्लेन कहेंगे, ठीक है. आई होप इतना आपको थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है. तो चलिए और थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं. द कोस्टल प्लेन्स. इंडिया हैज अ लॉन्ग ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है. यहाँ पे देखिए, ओके, तो पेनिनसुला तक हमने, ठीक है. पेनिनसुला होता क्या है, ये भी आप इसको एक द्वीप की तरह, मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में इसको अच्छे से समझाया था,
ठीक है, ये भी एक पीस ऑफ लैंड होता है ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इन टू अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, और पीस ऑफ लैंड जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से कवर होता है वाटर से, ठीक है। इसको इसका मीनिंग अगर आपको सिर्फ पेनिनसुला को समझना है ना तो इसको आप इसमें भी समझ सकते हैं, ये भी एक प्रायद्वीप की उसमें होता है, ठीक है। इंडिया हैज अ लॉन्ग ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला, जो भी इंडियन के हैं, ठीक है, जो भी इंडियन के द्वीप है वहां तक फैला हुआ है कोस्टल प्लेन्स का जो हम पढ़ रहे हैं ना कोस्ट लाइन। ऑन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये दो है हमारे वेस्टर्न में और ईस्टर्न की तरफ को। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6,000 किलोमीटर एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में थोड़े से नैरो है, मतलब थोड़े से टाइट है, तंग है। ओके ओके सो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक, ये हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इसके दो पार्ट बताए ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, अब हम पढ़ रहे हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ही आता है, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है। और कहाँ से होता है एक्सटेंड, कहाँ को होता है, फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की जो खाड़ी है, गल्फ मीन्स खाड़ी हम कहेंगे हिंदी में, कच्छ की जो खाड़ी है, ठीक है, इन और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी जो साउथ में पड़ता है, ठीक है, कहाँ से, नॉर्थ में जो है कच्छ की खाड़ी वहां से लेके कन्याकुमारी जो साउथ में वहां तक एक्सटेंड हो जाता है। दे पास थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये पास होके जाता है, वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं ये, तो वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का कवर करते हैं और गोवा, कर्नाटका एंड केरला एंड अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ, और साउथ में कन्याकुमारी तक। एंड आगे है इसका, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर बट इज बिकम नैरो टुवर्ड द साउथ, ठीक है, जो इसका नॉर्थन की तरफ जो कोस्टल प्लेन का जो इसका पार्ट है वो तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर है, चौड़ा है, बट जब ये साउथ की तरफ जाते हैं तो वो फिर से वहां पे जाके टाइट हो जाता, तंग हो जाता है, ठीक है। और दीज प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, जो ये प्लेन्स है इनको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से इसको समझ आएगा, ठीक है। कौन कौन से थ्री पार्ट है इसके, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट, ठीक है। ओके तो आज हम फर्स्ट इसको पढ़ते हैं, द गुजरात कोस्ट, इसके नाम से पता चलता है किस तरफ को है। द गुजरात कोस्ट इंक्लूड्स टू गल्फ, इसमें दो खाड़ियां शामिल है, कौन कौन सी है, पहले इसमें बताया गया कि गल्फ क्या होता है, गल्फ का हिंदी में आपको मिलता है खाड़ी, ठीक है, लेकिन इसके आप थोड़े अगर आपको डेफिनेशन पूछे जाती है तो आप लिख सकते हैं, अ गल्फ इज द पोर्शन ऑफ एन ओशियन और सी दैट इज पार्टली इनक्लोज्ड बाय लैंड। अ गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ एन ओशन, ये खाड़ी क्या होता है, एक ओशन या समुद्र का एक हिस्सा है जो एक लैंड से बंद हो जाता है, ठीक है, इनक्लोज बाय लैंड, ये आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी गल्फ की तो आपको अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे इस बुक में शायद है नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, ठीक है। आगे देखते हैं, द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंभाट इज कॉल्ड द गुजरात कोस्ट, ठीक है। कहाँ कहाँ तक है ये, देखिए, बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की जो खाड़ी है, ठीक है, उसके बीच में है, कहाँ से, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द नॉर्दर्न मोस्ट, इसका जो नॉर्दर्न साइड का मोस्ट पार्ट है वो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ की खाड़ी के बीच में है, एंड द गल्फ ऑफ खंभाट इज कॉल्ड द गुजरात कोस्ट, और जो खंभाट की खाड़ी है उसको क्या कहा जाता है, गुजरात कोस्ट, ठीक है। ये कौन कौन से बताए उन्होंने, दो बताए हैं इसको, अगर जो गल्फ हैं दो बताए हैं, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ बताया है और एक बताया गल्फ ऑफ खंभाट, ये दोनों आपको इधर आपके मैप में भी दिखाया हुआ है, देखिए मैं आपको थोड़ा पास में लगा दिखाती हूँ, ये देखिए आपका मैप है ना, ये इंडिया का मैप है ना, आपको पता ना यहाँ गुजरात है, ठीक है, फिर इसके यहाँ देखिए ये है गल्फ ऑफ खंभाट और ये क्या है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात और ये दोनों खाड़ियां इसके पास में है, ठीक है।
सो लेट्स कंटिन्यू कहाँ था। हाँ ठीक है, ये हमने पीछे देख लिया। ओके और देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, अगर आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ये स्नो नहीं है, ये सॉल्ट है। आपको पता ना सॉल्ट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो समुद्र से नमक को किस तरह से हम बनाते हैं, तो ये उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है। और ये कहाँ पर है, सॉल्ट मेकिंग इंडस्ट्री है जो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में मैक्सिमम ये चीजें ज्यादा चलती हैं, सॉल्ट ऑयल रिफाइनरी टेक्सटाइल्स, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स भी ज्यादा होती हैं और सॉल्ट का भी। ठीक है, तो ये चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज, डेयरी, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये कॉटन की है, डेयरी की है, सॉल्ट की है, ऑयल रिफाइनरीज। रिफाइनरीज क्या होता है, जो तेल को शुद्ध किया जाता है जहां पर वो, ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्रीज वहां पर है। एंड डेयरी फार्मिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, वहां पर ज्यादा डेयरी फार्मिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है उसकी। और आनंद नियर बड़ौदा, बड़ौदा के पास एक जगह है आनंद, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन फॉर डेयरी। ठीक है, याद रखिएगा ये नेम, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। इट इज नोन एज द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अमूल द वेल नोन ब्रांड फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट इज बेस्ड हेयर। अमूल जो आपने सुना होगा, अमूल बटर, अमूल मिल्क, अमूल दही, आपने सुना है, ये नाम काफी वेल नोन ब्रांड है और इनका बेस कहाँ पर है, यहीं पर ही है। तो आपसे अगर अमूल के बारे में पूछा जाता है कि इसका बेस्ड कहाँ पर है, तो गुजरात में ही है। और कौन कौन से है यहाँ पे, वो सब हमने अभी डिस्कस किया, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे। और यहां तक भी एक आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। ठीक है, आप प्लीज थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। हिंदी में आपको समझा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें और प्लीज मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।